हेलो जी, जब भी किसी में प्यार हो जाता है तो साथ में लड़ाई झगड़ा तो कंपलसरी है। बिल्कुल, एक बार एक लड़का लड़की लड़ाई करते हैं और लड़की लड़के को बड़े जोर से बोलती है कि फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं मेरे पापा के आगे सारी दुनिया ना कटोरी करके खड़ी रहती है। लड़के ने बोला, तुम्हारे पापा ऐसा क्या करते हैं जो सारी दुनिया तुम्हारे पापा के आगे कटोरी करके खड़ी हो जाती है। उसने हंस के जवाब दिया, मेरे पापा गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं। तो जी बिल्कुल, जब हम गोलगप्पे के वाले के पास पहुंचते हैं तो उसके साथ कटोरी करके रख जाते हैं। भी अलग अलग टेस्ट होना चाहिए, फ्लेवर होना चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे भी होने चाहिए। तो लीजिए, आज बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेकर के आई हूँ गोलगप्पे की। गोलगप्पे खाने का हर कोई शौकीन है आज के समय में, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, तो चटपटा हर किसी को पसंद है। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं जी बटन पार्क के बिल्कुल थोड़ा सा आगे आकर के। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे हैं जिसका नाम है बॉम्बे स्पेशल गोलगप्पा। कितने फ्लेवर हैं उनके पास, आइए देखते हैं। भाई नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? कैलाश। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं गोलगप्पे का? अभी नया नया शुरू किया है, 20 दिन लगभग। जी, नया नया शुरू करने के बीच में किसने आइडिया दिया कि इतने तरह के पानी रखने चाहिए, फ्लेवर रखने चाहिए? नहीं, वो तो हमने सीखा हुआ है पहले। ओके, अच्छा पहले सीखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कोई भी काम करना हो उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत ही कंपलसरी है, आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सीख पाएंगे तो साथ ही साथ उस काम को आगे के आगे बढ़ा पाएंगे। तो कितने फ्लेवर हैं आपके पास? 6 फ्लेवर हैं। कौन कौन से? लेमन, जीरा, लहसुन, पुदीना, हाजमा जम, रेगुलर। क्या क्या डालते हैं आप इसमें? वो मसाले बढ़ते हैं जी, अलग अलग तरह के मसाले बढ़ते हैं जी, बहुत सारे मसाले बनते हैं जी। तो ये जो और भी काफी मटेरियल, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जो गोलगप्पे आप घर में बनाते हैं कि बने बनाए लेके आते हैं? मैं गोलगप्पे घर पे बनाते हैं जी। जब लड़की लोग आते हैं गोलगप्पे के लिए तो कौन सा फ्लेवर का ज्यादा डिमांड करते हैं? वैसे तो सबसे ज्यादा अच्छा लेमन फ्लेवर है जी। हम लड़की लोग अक्सर गोलगप्पे खाते हैं तो बाद में जो पापड़ी होती है ना, उसका एक अलग ही स्वाद होता है, अलग ही मजा है। उसके बारे में पूछना चाहेंगे, कभी ऐसा हुआ है कि लड़की लोग आए तो उसने बोला कि गोलगप्पे खाने के बाद भाई पापड़ी भी बना दो? हाँ जी, बोला है, सभी बोलते हैं। वो पापड़ी में ऐसा क्या होता है कि गोलगप्पे जितने मर्जी खा लो जब तक वो पापड़ी ना खाओ वो स्वाद कंप्लीट नहीं होता? वो तो पता नहीं, लेकिन तो पापड़ी चाहिए ही चाहिए साथ में जी। तो और क्या, ये लेमन की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले आपने? अभी वो तो बहुत सारे बढ़ते हैं, मसाले बहुत सारे हैं जी। खुद बनाते हैं, घर पे बनाते हैं कि बाजार से लेके आते हैं? नहीं नहीं, सभी मसाले घर पे बनते हैं जी। तो कितने, जैसे मैंने पहले ही बात करी है कि लड़का लोग भी आजकल गोलगप्पे बहुत खाते हैं, आते हैं लड़का लोग भी? हाँ जी, लड़के भी आते हैं ना, बहुत सारे लड़के। अपनी दुकान के बारे में बताएं, कहाँ पे आपकी दुकान? हमारी दुकान वैसे तो डेरी तालाब है जी, उधर ही अड्डा है, पूरा उधर चलता है जी। मतलब दो अड्डे हो गए, एक देवी तालाब में एक यहाँ पे। ये जो प्लेस है इसका पूरा एड्रेस? एक और वैसे लवली में, लवली के अंदर भी है। अच्छा, अरे लवली के अंदर भी है, ये तो बंदा बड़ा बाकमाल है। कहते हैं कि आजकल के समय में छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम की आप देखो बिक्री कितनी होती है, काम में आपको कमाई कितनी होती है। काम हर अच्छा है अगर आप नियत से करते हो। तो बातचीत करना चाहेंगे, ये जो आपकी दुकान है ये प्लेस का नाम क्या है प्रॉपरली? इधर डीएवी कॉलेज, उसके इधर नीचे लगती है जी, पूल के नीचे लगती है वैसे तो जी। आपका जो आइडिया था ये गोलगप्पा बनाने का या लगाने का, किसका था आइडिया? आपका था किसी और का? नहीं, वो मेरे भैया ही है, हमका ही था आइडिया इधर खोलने का। इधर ज्यादातर वैसे इतने चलते नहीं है, इतने नया नया ऐसे खोला है। पहले से कहाँ के रहने वाले हो? हम राजस्थान के। राजस्थान से आप पंजाब में काम कर रहे हो, वहाँ पे काम नहीं मिलता है या कोई प्रॉब्लम है उधर? अरे वैसे उधर बहुत है, इधर कम है, बहुत घट है, इसलिए इधर ही खोल दिया। गोलगप्पे उधर खाते नहीं है, इधर खाते ज्यादा? वैसे उधर भी खाते हैं लेकिन उधर बहुत सारे ऐसे, इधर कम है इसलिए इधर खोल दिया। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत तरह के फ्लेवर के गोलगप्पे खाने हैं तो आप पहुंच जाइए, विजिट कीजिए जी डीएवी कॉलेज के ब्रिज के बिल्कुल नीचे, बटन पार्क के बिल्कुल थोड़ा सा आगे आइए तो जो चौक है, चौक पे बिल्कुल इनकी दुकान है सामने। इनकी दुकान का नाम है बॉम्बे स्पेशल गोलगप्पे। तो बने रहिए खास स्टोरी देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके नज़दीक कोई और स्टोरी है तो आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। सेम सो द टाइम से कोमल, कैमरामैन अनुराग के साथ।